नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आप सभी। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़िए, लगातार पढ़िए। मेहनत ही सफलता का सबसे बड़ा जरिया है, उसके अलावा जो है आपको कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग भूगोल, ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों को विश्व का भूगोल पढ़ना होता है, भारत का भूगोल पढ़ना होता है। तो यहां पर हम लोग आगामी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा तथा इन्फोर्समेंट एसआई तथा बीपीएससी, बिहार एसएससी, इन एग्जामों के क्वेश्चन का जब आप अध्ययन करेंगे, जो पहले प्रश्न पूछा गया है, तो वहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है, मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है, विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि कौन सी रेखा किस देश से होकर गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसी की चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को हम आपको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि वर्तमान समय में विश्व में महादेशों की कुल संख्या 8 है। पहले हम लोग कहते थे महादेशों की कुल संख्या 7 है, लेकिन हाल ही के दिनों में एक नया महादेश की खोज हुई है। उसका नाम है आपको जिलेंड्रिया। उसका नाम क्या है आपको? जिलेंड्रिया। और आठवां महादेश जो है आपको जिलेंड्रिया ही है। आठवां महादेश कौन है आपको? जिलेंड्रिया, जिलेंड्रिया। तो वर्तमान में महादेशों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 8 महादेश है, जिसमें आपको एक महादेश ये उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है, ये यूरोप महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, ये एशिया महादेश है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश है, और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महादेश है। और ये जो है आपको आठवां महादेश कौन है आपको? जिलेंड्रिया है। तो महादेशों की कुल संख्या 8 है, उत्तरी अमेरिका 1, दक्षिणी अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7 और जिलेंड्रिया 8। इन आठों महादेशों में सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, वहीं सबसे छोटा महादेश अब अगर कहा जाए तो अब सबसे छोटा महादेश जिलेंड्रिया होना चाहिए। जिलेंड्रिया के विषय में कोई खास जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत कम जानकारी प्राप्त हुआ है, लेकिन इसे महादेश का दर्जा जो है आपको दिया जा चुका है और आठवां महादेश का दर्जा दिया जा चुका है। तो आज के सेशन में हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा के विषय में बात करेंगे कि ये रेखा आखिरकार किन किन देशों से होकर गुजरती है। और देश ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन देश जब पूछा जाता है तो हो सकता है महादेश भी पूछ दे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा है क्या। इसके पश्चात हम लोग यह देखेंगे कि किन महादेश से होकर गुजरती है, और महादेश के पश्चात हम लोग यह देखेंगे कि किस देश से होकर गुजरती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए तो आप उस प्रश्न को जो है बना सके। तो सबसे पहले हम लोग महादेश के संदर्भ में समझते हैं, लेकिन महादेश के संदर्भ में समझने से पहले विषुवत रेखा या फिर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपको विश्व का मानचित्र है। सबसे पहले डायरेक्शन के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी मानचित्र हो, उसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग आपको उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। ऊपरी भाग उत्तर दिशा को, नीचा वाला भाग आपको दक्षिणी दिशा को प्रदर्शित करता है, फिर दाहिना भाग जो है आपको पूरब दिशा को प्रदर्शित करता है, और बायां भाग जो है आपको पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है, पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। अब जब आप मानचित्र देखेंगे विश्व का,
भौगोलिक मानचित्र देखेंगे, राजनीतिक मानचित्र देखेंगे, तो यहां पर आपको दो प्रकार का लाइन खींचा हुआ मिलेगा। एक लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा हुआ मिलेगा और एक लाइन पूरब से पश्चिम की ओर खींचा हुआ मिलेगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन खींची हुई है, इसी को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। इसको क्या कहा जाता है आपको? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहा जाता है। वहीं पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइन खींची हुई है, इसी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है 179 है। देखिए, कोई बुक 180 लिखता है, कोई 181 लिखता है, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वह आपको 179 होगा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है आपको कितनी है? 360 है। 360 है। तो यह बात जो है आप याद रखेंगे, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है आपको 360 यानी 360 है। मानचित्र के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखा है देशांतर रेखा, पूरब से पश्चिम की ओर जो खींची गई रेखा है, इसको क्या कहा जाता है आपको? अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो अब हम लोग अक्षांश रेखा देखे हैं कितना है, इसमें से कई सारे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है और उन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में तीन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, दूसरा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तीसरा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो इन अक्षांश रेखाओं के विषय में बात करेंगे। और अक्षांश रेखा से कोई भी देश अपने स्थिति का अवलोकन करता है, किसी भी देश के, किसी भी महादेश के लोकेशन के विषय में जानकारी हमें अक्षांश रेखा से मिलती है। वहीं देशांतर रेखा से कोई भी देश अपने समय को ज्ञात करता है, कोई भी देश अपने समय को ज्ञात करता है। तो ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा से हमें किसी भी देश या किसी भी स्थान के लोकेशन के विषय में जानकारी मिलती है, लोकेशन के विषय में जानकारी मिलती है। और वहीं देशांतर रेखा से कोई भी देश अपने समय का निर्धारण करता है, और कोई भी देश अपने समय का निर्धारण जो करता है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। तो ये सब बात भी जो है आप याद रखेंगे, ये सब बात भी आप याद रखेंगे। तो अब हम लोग आते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, उन अक्षांश रेखाओं के विषय में जो है अब हम लोग बात करते हैं, उन अक्षांश रेखाओं के विषय में बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उसके विषय में बात करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कि ये जो है आपको विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, या फिर विश्व का मानचित्र है, या फिर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का मानचित्र है, पृथ्वी का मानचित्र है। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो ब्लू कलर का लाइन हमने खींचा है, ये आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है? यह आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, फिर या फिर इसी को इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है, या फिर इसी को जो है भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र से होकर गुजरती है और यह पृथ्वी को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। इससे ऊपर जाइएगा तो ये आपको उत्तरी गोलार्ध होता है, और इससे नीचे आइएगा तो ये आपको दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये आपको दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को देखेंगे तो यह तीन महादेश से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, और फिर आपको एशिया महादेश से होकर गुजरती है, एशिया महादेश से होकर गुजरती है। तो यह बात आपको याद रखनी है। देखिए, अब जो है यहां पर हमने आपको लिख दिया है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कितने महादेश? तीन महादेश से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। तो इस बात को जो है आप याद रखेंगे। अब देखिए, जब आप 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है?
कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। तो अब हम लोग यहां पर यह समझते हैं कि कर्क रेखा कितने महादेश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भी 3 महादेश से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश। तो कर्क रेखा भी कितने देश से होकर गुजरती है, कितने महादेश से होकर गुजरती है, सॉरी कितने महादेश से होकर गुजरती है, 3 महादेश से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और साथ ही साथ जो है आपको एशिया महादेश, साथ ही साथ आपको कौन सा एशिया महादेश। तो देख लीजिए कर्क रेखा कितने महादेश, 3 महादेश से उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं इसके पश्चात जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम लोग दक्षिण आते हैं तो यह दक्षिणी गोलार्ध होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक काल्पनिक रेखा होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है और मकर रेखा भी 3 महादेश से होकर गुजरती है। और मकर रेखा को जब आप देखेंगे तो यह भी साउथ अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा भी कितने महादेश, 3 महादेश से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछा जाएगा मकर रेखा कितने महादेश, 3 महादेश से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महादेश, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर जो है आपको गुजरती है। ये तो हो गया आपको अक्षांश रेखा के संदर्भ में। देशांतर रेखाओं में भी कई सारे महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, उन देशांतर रेखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है वह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहां पर हम आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच करके दिखाते हैं कौन 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये जो है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को कई सारे नामों से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है जिस वजह से इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, फिर इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहा जाता है, प्रधान माध्यान रेखा कहा जाता है, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही कोई भी देश अपने समय का निर्धारण करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखेंगे तो यह भी आपको 3 महादेश से होकर गुजरती है, यूरोप महादेश से होकर गुजरती है, फिर अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है और फिर अंटार्कटिका महादेश से होकर गुजरती है, अंटार्कटिका महादेश से होकर गुजरती है। तो आगे आइए तो यह भी बात जो है आपको लिखा हुआ होगा। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान माध्यान रेखा कहा जाता है। यह भी 3 महादेश यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश और अंटार्कटिका महादेश से होकर गुजरती है, अंटार्कटिका महादेश से होकर गुजरती है। अब आप देखिए एक चीज जब आप देखेंगे तो एक चीज काफी कॉमन आएगा, अफ्रीका महादेश से होकर कर्क रेखा भी गुजर रही है, अफ्रीका महादेश से होकर विषुवत रेखा भी गुजर रही है, अफ्रीका महादेश से होकर मकर रेखा भी गुजर रही है और अफ्रीका महादेश से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजर रही है। मतलब अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है। तो यह बात भी जो है आप याद रखेंगे। तो देखिए यह चीज भी हमने आपको यहां पर नोट किया है, अफ्रीका, अफ्रीका यह एक ऐसा महादेश है जिससे कर्क रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा चारों रेखा जो है आपको गुजरती है, चारों रेखा गुजरती है। तो यह सब बात जो है आप याद रखेंगे, यह सब बात आप याद रखेंगे। अब देखिए अब यहीं पर हम लोग यह भी देख लेते हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती कहां पर है। तो ये देखिए उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, इन चारों महादेश के बीच में जो जलीय भाग है अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है और इसी अटलांटिक महासागर, ये है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है और अटलांटिक महासागर में भी ये दोनों गिनी की खाड़ी के पास एक दूसरे को काटती है, गिनी की खाड़ी के पास जो है एक दूसरे को काटती है। ये सब बात जो है आप याद रखेंगे, उम्मीद करते हैं ये बात जो है आपको याद हो भी गया होगा। ये तो हम लोग देखे हैं
महादेश के संदर्भ में कि किस किस महादेश से होकर गुजरती है, अब हम लोग देश के संदर्भ में देखेंगे कि किस किस देश से होकर गुजरती है। तो यहां तक जो हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और इसके पश्चात पुनः आगे बढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 179। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 360। कितना डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। कितना डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा पृथ्वी को लगभग दो बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बांटती है। फिर कितना डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब बात जो है आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जाए कर्क रेखा कितने महादेश से होकर, 3 महादेश उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। विषुवत रेखा कितने महादेश से होकर, दक्षिणी अमेरिका, 3 महादेश दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब मकर रेखा कितने महादेश से, 3 महादेश से होकर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा सभी गुजरती है, तो यह आपको अफ्रीका है, यह आपको अफ्रीका है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस किस नाम से जाना जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी, ग्रीनविच प्रधान माध्यान रेखा के नाम से जाना जाता है। यह कितने महादेश से होकर गुजरती है, 3 महादेश से होकर गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटती है, तो अटलांटिक महासागर में। किस खाड़ी के पास, तो गिनी के खाड़ी के पास काटती है। तो ये सब बात अभी हमने आपको बताया था, इसको एक मिनट में हमने आपको रिवाइज करवा दिया, आपको याद अब हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देश के संदर्भ में देखेंगे कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो देश के संदर्भ में जो है अब हम लोग देखते हैं कि किन किन देश से होकर ये आपको गुजरती है, किन किन देश से होकर ये आपको गुजरती है। तो सबसे पहले जो है ये है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब ये है आपको विषुवत रेखा। ये क्या है आपको, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये आपको कर्क रेखा है, ये आपको क्या है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा के विषय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अभी तुरंत कर्क रेखा के विषय में बताएं कितने महादेश से होकर गुजरती, 3 महादेश से होकर गुजरती है आपको, उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश। अब देश के संदर्भ में देखते हैं कि कौन कौन देश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी अमेरिका महादेश के मेक्सिको से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महादेश के किस देश से, मेक्सिको से होकर गुजरती है। फिर आपको एक द्वीपीय देश है, उसका नाम है बहामास, उसका नाम क्या है आपको, बहामास, बहामास से होकर गुजरती है, बहामास से होकर गुजरती है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहां पर कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, 3 महादेश में एक महादेश है आपको उत्तरी अमेरिका महादेश, कौन है, उत्तरी अमेरिका महादेश, और उत्तरी अमेरिका के कौन से देश से, मेक्सिको से होकर गुजरती है, फिर बहामास से होकर गुजरती है, बहामास से होकर गुजरती है। इसके पश्चात अब देखिए कर्क रेखा जो है आपको अफ्रीका महादेश में प्रवेश करती है और अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महादेश के कई सारे देश से होकर गुजरती है। यहां पर देख लीजिए ये पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा के पश्चात मारितानिया है, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, मिस्र है। तो अफ्रीका महादेश के इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अफ्रीका महादेश के इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। इसके पश्चात जो है कर्क रेखा आपको एशिया महादेश में प्रवेश करती है और एशिया महादेश के अंतर्गत जो है यह आपको सऊदी अरब से होकर गुजरती है, संयुक्त अरब अमीरात से होकर गुजरती है, ओमान से गुजरती है, भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, चीन से गुजरती है और ताइवान से होकर गुजरती है, चीन और ताइवान, चीन ताइवान, ताइवान के पश्चात इधर ताइवान से होकर जो है आपको गुजरती है। ठीक है, तो अब देखिए अब आप यहां पर देख सकते हैं कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन ताइवान, तो इन सभी देशों से होकर जो है आपको गुजरती है, इन सभी देशों से होकर आपको कर्क रेखा गुजरती है। तो अब आप देख सकते हैं कितने देश से होकर गुजरती है, मेक्सिको 1, बहामास 2, पश्चिमी सहारा 3, मारितानिया 4, माली 5, अल्जीरिया 6, लीबिया 7, मिस्र 8, सऊदी अरब 9, संयुक्त अरब अमीरात 10,
ओमान 11, भारत 12, बांग्लादेश 13, म्यांमार 14, चीन 15, ताइवान 16। तो इन सभी देशों से होकर जो है आपको कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के विषय में जो है आप ये बात याद रखेंगे। तो कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? मेक्सिको, बहामास द्वीप, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन सभी देश से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भाग उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। फर्स्ट चैप्टर में, ज्योग्राफी के पहला चैप्टर में, हम आपको यह बात बताते हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन से राज्य है और कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से राज्य है, ये सभी बात हम आपको फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग आते हैं विषुवत रेखा के ऊपर। विषुवत रेखा के विषय में अभी तुरंत हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, कितने महादेश से होकर गुजरती है, कौन कौन महादेश से होकर गुजरती है। तो तीन महादेश से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। तो अब किन किन देशों से होकर गुजरती है इसको हम लोग देखते हैं। तो अब आप देखिए विषुवत रेखा जो है आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश के तीन देश से होकर गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। फिर आपको यहां पर साओ टोम, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, साओ टोम से होकर गुजरती है। साओ टोम के पश्चात जो है आपको गैबोन से होकर गुजरती है, गैबोन के पश्चात कांगो, कांगो के पश्चात कांगो गंडाज, कांगो गंडाज के पश्चात आपको युगांडा, युगांडा के पश्चात केन्या, केन्या के पश्चात सोमालिया, सोमालिया के पश्चात मालदीव से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है और फिर नौरू से होकर गुजरती है। तो अब आप देखिए विषुवत रेखा तीन महादेश, विषुवत रेखा तीन महादेश, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो दक्षिणी अमेरिका के तीन देश इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो आप देख सकते हैं विषुवत रेखा तीन महादेश, जिसमें प्रथम महादेश दक्षिणी अमेरिका, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इसके पश्चात आप देखिए, इसके पश्चात अफ्रीका महादेश में प्रवेश करती है, अफ्रीका महादेश में गैबोन, कांगो, कांगो गंडाज, फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। तो अब आप देखिए साओ टोम, गैबोन, कांगो, कांगो गंडाज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। इसके पश्चात जो है आपको, इसके पश्चात जो है यह आपको एशिया महादेश में प्रवेश करती है और एशिया महादेश के मालदीव हो गया, मालदीव के पश्चात इंडोनेशिया हो गया और नौरू हो गया, इंडोनेशिया हो गया और नौरू हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मालदीव, इंडोनेशिया और नौरू, इन सभी देशों से होकर जो है आपको विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा कौन कौन देश से होकर गुजरती है? तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, गैबोन, कांगो, कांगो गंडाज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और नौरू से होकर गुजरती है, नौरू से होकर गुजरती है। तो यह बात भी आप याद रखेंगे। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, कांगो गंडाज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, नौरू और यहां पर साओ टोम है, इन सभी से होकर जो है आपको विषुवत रेखा गुजरती है। अब विषुवत रेखा से जब आप नीचे आएंगे यानी दक्षिण आएंगे तो आपको मिलेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता है आपको? मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। और मकर रेखा भी जो है आपको कितने महादेश से? तीन महादेश, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर, और कुल मिलाकर ये आपको 10 देश से होकर गुजरती है, जिसमें आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश के चिली से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। तो ये देखिए आप मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा की बात करेंगे तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये सभी के सभी दक्षिणी अमेरिका महादेश का देश है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। इसके पश्चात जो है मकर रेखा आपको प्रवेश किस महादेश में करती है? तो मकर रेखा प्रवेश आपको अफ्रीका महादेश में करती है। अफ्रीका महादेश के नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर हो गया, कुल 5 देश से होकर गुजरती है। तो यह अफ्रीका महादेश के, आप देख सकते हैं अफ्रीका
अफ्रीका महादेश के पांच देश, अफ्रीका महादेश के पांच देश नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है और इसके पश्चात जो है यह आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह आपको कहां प्रवेश करती है? ऑस्ट्रेलिया। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है तो मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो ये सब बात जो है आप याद रखेंगे, ये सब बात आप याद रखेंगे। तो ये तो हो गया महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। अब हम लोग यहां पर जीरो डिग्री देशांतर रेखा को भी देख लेते हैं। जीरो डिग्री देशांतर रेखा के विषय में हम लोगों ने देखा था कितने महादेश से होकर गुजरती है, तो यह भी तीन महादेश से होकर गुजरती है। यह जो है आपको यूरोप महादेश, यूरोप के पश्चात अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चात अंटार्कटिका से होकर गुजरती है, अफ्रीका के पश्चात अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। यह जीरो डिग्री देशांतर रेखा भी कई सारे देश से होकर गुजरती है, जैसे कि यह इंग्लैंड से होकर गुजरती है, इंग्लैंड के पश्चात जो है यह आपको फ्रांस से होकर गुजरती है, फ्रांस के पश्चात स्पेन से होकर गुजरती है। ये तीनों यूरोप महादेश के देश हैं। ये तीनों किन महादेश के देश हैं? आपको यूरोप महादेश के देश हैं। तो ये बात भी जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप देखिए जीरो डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड, पेरिस और स्पेन, ये तीनों यूरोप महादेश के देश है, यहां से होकर गुजरती है। इसके पश्चात यह अफ्रीका महादेश में प्रवेश करती है, फिर अफ्रीका महादेश के कई सारे देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका महादेश में अल्जीरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, बुर्किना फासो से गुजरती है, घाना से गुजरती है, टोगो से गुजरती है, घाना से गुजरती है और टोगो से गुजरती है, ठीक है। और इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि यह जो है आपको कहां चली आती है? अंटार्कटिका महादेश में चली आती है, अंटार्कटिका महादेश में चली आती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो और अंटार्कटिका से होकर जो है गुजरती है, अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। तो ये बात भी जो है आप याद रखेंगे। अब नोट करके जीरो डिग्री अक्षांश रेखा और जीरो डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि जीरो डिग्री अक्षांश रेखा और जीरो डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? तो एक दूसरे को जो है आपको अटलांटिक महासागर में, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, जीरो डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी के खाड़ी के पास जो है आपको काटती है, गिनी के खाड़ी के पास काटती है। तो ये बात जो है आप याद रखेंगे। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रह सके, याद हमें रह सके, मानचित्र के माध्यम से याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह सब बात आपको समझ में आ गया होगा और याद करने वाला चीज है, कोई भी ट्रिक नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा बात है, मानचित्र पर देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा किन किन देशों से? मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कौन कौन से देश? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टॉम, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, नौरू। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। जीरो डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अंटार्कटिका। उम्मीद करते हैं आपको ये बात याद हो गया होगा और इस टॉपिक को अगर आप क्लियर रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर फिक्स है। इससे आगे हम लोग अपने अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत।